आपका तो पता नहीं आप क्या कहें लेकिन हम आपको दावे से कहते हैं हमने ऐसा टॉनिक जो बिना दाम के मिले कहीं भी देखा तो क्या सुना भी नहीं सिर्फ सदगुरु मौला ने बताया गुरुओं ने पीर पैगंबरों ने ऋषि मुनियों ने बयान किया लेकिन गुरु बिना गति नहीं जब तक गुरु मिलता नहीं उन पवित्र ग्रंथों की भी समझ इंसान को पूरी नहीं आती वो तो रूहानियत के पवित्र ग्रंथ हैं जरा सोच के देखिए दुनियावी ग्रंथ जो हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको नहीं ढंग से समझ सकते जब तक उस्ताज टीचर मास्टर ना पढ़ाए तो हमने ये देखा गुरु मुर्शिद कामिल के चरणों में लगे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ अपने आप ख्यालों में आने लगे और अपने आप उनकी समझ आने लगी ये उनका रहमोकरम तो सत्संग में आइए पीर फकीर से बात कीजिए और अमल कीजिए मन भी रुकेगा माया भी ढीली बढ़ जाएगी और आत्मबल बढ़ता जाएगा सिर्फ बात करने से दिखावा करने से कोई भक्त नहीं बनता अमल करने से ही भक्त बना करते हैं अमल करो सुबह शाम सुमरन करो आपकी कोई लाइफ है आप गृहस्थी हैं त्यागी हैं तपस्वी हैं यानी शत्री ब्रह्मचारी हैं सुमरन तो अति जरूरी है कोई भी लाइफ आपने चुन ली हर लाइफ के सक्सेस के लिए सुमरन रामवाण है यानी काम करेगा ही करेगा कभी नकारा नहीं होगा ये हंड्रेड परसेंट गारंटी है घर गर गृहस्थ वालों को भी जाप करना चाहिए और त्यागी तपस्वी भी को भी बिना सुमरन के मन नहीं ठहरता मन बड़ी जालिम शक्ति है कोई मालूम नहीं कब आदमी को टरका दे और कब आदमी को भरमा दे और कब चारों खाने चित करवा दे इसलिए मन से लड़ा करो और मन से लड़ने का कोई और तरीका है ही नहीं सिवाय प्रभु के नाम के सुमाली का नाम जपो उसके नाम में शक्ति है उसके नाम में ताकत है जो आपको सुख देगा चंद रूपओं के लिए चंद नोटों के लिए इंसान मन और मनमति लोगों का संग करता है और कई बार वो सब इंसान के दुख का कारण बनते हैं परेशान रहता है दुखी रहता है किसी से पैसे लिए किसी को मारा काटा तड़फाया जिंदगी भर वो आदमी तड़फता रहता है जो ऐसे बुरे कर्म करता है तो इसलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए जहाँ तक संभव हो नेक कर्म करो भले कर्म करो मालिक का नाम जपो तभी सुख मिलेगा तभी शांति मिलेगी तभी परमानंद मिलेगा